नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आइयो ठीक ही होंगे। भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आप लोगों के रुपए क्रेडिट कार्ड के अंदर एक एरर आ रहा है। जब भी आप लोग किसी मर्चेंट को यूपीआई के थ्रू स्कैनर पे कर अपने रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने जाते हैं, तो वहां पर पेमेंट करते टाइम आप लोगों को एरर शो हो रहा है। आप लोगों को लिखा रहा है कि आप अभी पेमेंट जो है वो नहीं कर सकते हैं, कुछ टाइम वेट कर लीजिए, 24 घंटे वेट कर लीजिए। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों ने 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, एक एक महीना वेट करा, लेकिन फिर भी उनके रुपए क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर पेमेंट जो है वो नहीं हो पा रही है। तो आज दोस्तों उसी का सोल्यूशन लेकर आया हूँ कि अगर आप लोगों की भी रुपए क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर यूपीआई पेमेंट नहीं हो रही है, स्कैनर पे कर पेमेंट नहीं हो रही है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके पास कोटक महिंद्रा बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड है। अब उनको भी यहाँ पर दोस्तों ये एरर जो है वो शो हो रहा था, ये उन्होंने 15-20 दिन वेट करा, लेकिन उनके कोटक महिंद्रा बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट जो है वो नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने दोस्तों अपने कस्टमर केयर वालों से बात करा, उन्होंने दोस्तों उनको एक छोटा सोल्यूशन बताया। जब उन्होंने उस सोल्यूशन को अपने रुपए क्रेडिट कार्ड के अंदर एप्लीकेबल करा, अप्लाई करा, तो उनका रुपए क्रेडिट कार्ड फिर से जो है वो काम करने लग गया। उन्होंने दोस्तों मुझे यहाँ पर इसकी जानकारी मेरे को दोस्तों यूट्यूब पे कमेंट करके दी है, तो वही दोस्तों इसकी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। अगर आप लोगों को भी रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, तो कैसे दोस्तों आप लोगों की ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है, उसके लिए आपने काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। लेकिन दोस्तों से पहले बता दूं, अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर ने जो उन्होंने दोस्तों अपने रुपए क्रेडिट कार्ड के अंदर सॉल्यूशन अप्लाई करा, उसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। उन्होंने दोस्तों हमारे को यूट्यूब पे कमेंट करके बताया है कि अगर किसी का क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट नहीं हो रही है, तो एक बार ये करके देख लो। उनको यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक वालों ने ईमेल कर इसका सॉल्यूशन जो है बताया था, तो इन्होंने दोस्तों हमारे को यहाँ पर वो कॉपी करके बता दिया है। हाई वी रिक्वेस्ट यू टू डीलिंक द क्रेडिट कार्ड अकाउंट बाय डिलीटिंग द सेम फ्रॉम द रिस्पेक्टिव यूपीआई पेमेंट ऐप एंड देन ट्राई टू लिंक द क्रेडिट कार्ड अगेन टीम कोटक। नीचे लिखा है मेरा भी चालू हो गया यूपीआई पेमेंट। यानी यहाँ पर दोस्तों बैंक वालों ने, कोटक महिंद्रा बैंक वालों ने उनको ये सोल्यूशन दिया है कि आपने जिस भी यूपीआई ऐप के अंदर लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर भीम यूपीआई, जहां पर भी अपने रुपए क्रेडिट कार्ड को आपने लिंक कर रखा है, अपने क्रेडिट कार्ड को वहां पर डीलिंक कर दीजिए, यानी अपने क्रेडिट कार्ड को वहां से रिमूव कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, और डिलीट करने के बाद एक बार फिर से अपने क्रेडिट कार्ड को दोबारा से लिंक कीजिए। यानी आप लोग समझ गए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि आपने जिस भी आप यूपीआई ऐप से अपने दोस्तों रुपए क्रेडिट कार्ड को लिंक कर रखा है, वहां से अपने क्रेडिट कार्ड को डीलिंक कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए या फिर रिमूव कर दीजिए, और दोबारा से अपने क्रेडिट कार्ड को, रुपए क्रेडिट कार्ड को फिर से दोस्तों लिंक कीजिए, और उसके बाद आपके रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट जो है वो हो जाएगी। दोस्तों यहां पर जिनके पास कोटक महिंद्रा बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड है, हमारे सब्सक्राइबर के पास, उनको भी दोस्तों कुछ टाइम से इश्यूज आ रहे थे कि इनके रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब दोस्तों जब उन्होंने ऐसा करा तो दोस्तों उनके रुपए क्रेडिट कार्ड से फिर से पेमेंट होना दोस्तों शुरू हो चुकी है। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कैसे आप लोग अपने तो रुपए क्रेडिट कार्ड को पेटीएम, फोन पे या फिर गूगल पे से रिमूव करके फिर से कैसे लिंक कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसी वीडियो में बता देता हूँ कि कैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इन तीनों ऐप्स के अंदर दोस्तों आप लोग अपने रुपए क्रेडिट कार्ड को जहां पर आपने ऐड कर रखा है उसको आप लोग कैसे जो है दोस्तों वो रिमूव कर सकते हैं, और दोबारा दोस्तों आप लोग कैसे जो है उसको ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने सबसे पहले, मैं यहाँ पर पेटीएम की बात करूंगा, तो आपने अपना पेटीएम जो है दोस्तों उसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। अब जैसे आप लोग दोस्तों अपना पेटीएम ओपन करेंगे, पेटीएम को ओपन करते ही दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर दोस्तों आपको आपकी फोटो शो होगी, आपने जो भी लगा रखी है माई अकाउंट वाला, उस पर आपने टैप कर देना है। टैप करते दोस्तों आपके सामने यहाँ पर नीचे जाना है, आपके सामने ऑप्शन खुलेगा यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स, तो आपने यहाँ पर इसी वाले ऑप्शन पे जाना है। जब इस पर टैप करेंगे, जब दोस्तों इस पर टैप करेंगे, टैप करते दोस्तों आपने जितने भी क्रेडिट कार्ड यहाँ पर यूपीआई पे लिंक कर रखे होंगे वो यहाँ पर आप लोगों को शो दोस्तों हो जाते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का रुपए क्रेडिट कार्ड है, मैं उसी को यहाँ पर आपको डीलिंक करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपने बैंक ऑफ बड़ौदा रुपए क्रेडिट कार्ड, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है, जैसे पेमेंट नहीं हो रही है, आपने उस
पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको दोस्तों ऐसे यहाँ पर आपके सामने आपका क्रेडिट कार्ड खुल जाएगा, क्रेडिट कार्ड के नंबर आ जाएंगे। राइट साइड में आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, आपने उस पर टैप करना है। टैप करते ही आप लोगों को यहाँ पर रिमूव कार्ड वाला दोस्तों ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा, आपने इस पर टैप करना है। आपसे कंफर्मेशन लेगा कि आप रिमूव करना चाहते हो, आपने यस कर देना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ऊपर लिखा है कार्ड रिमूव सक्सेसफुली, तो आपका कार्ड यहाँ पर रिमूव हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों आपने फिर से अपने कार्ड को यहाँ पर लिंक करना है, तो फिर से आपने दोस्तों यहाँ पर पेटीएम को ओपन करके आपका जो माय अकाउंट वाला सेक्शन है उस पर जाना है और यहाँ पर दोस्तों लिंक रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने का बैंक सेलेक्ट करना है कि कौन से बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का अपना क्रेडिट कार्ड डाल दिया है, तो मेरा जो क्रेडिट कार्ड है सर्च हो रहा है। उसके बाद दोस्तों मेरा क्रेडिट कार्ड यहाँ पर लिंक हो गया। लिंक होने के बाद दोस्तों हो सकता है कि फिर से आपकी पेमेंट जो है आपके रुपए क्रेडिट कार्ड से होने लग जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोन पे के बारे में, तो आपने फोन पे ओपन करना है। सेम पेटीएम की तरह लेफ्ट में दोस्तों आप लोगों को आपकी फोटो दिखाई देगी, यानी माय अकाउंट वाला सेक्शन आपने उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद थोड़ा नीचे जाएंगे, आप लोगों को दिखाई देगा रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई, इस पर टैप करना है। उसके बाद आपने जो भी क्रेडिट कार्ड यहां पर लिंक कर रखे होंगे वो यहां पर शो जाएंगे, आपने उस पर टैप करना है। क्रेडिट कार्ड नंबर खुल जाएगा। थोड़ा नीचे आप लोगों ने स्क्रॉल करना है, नीचे जो ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देगा अनलिंक क्रेडिट अकाउंट, तो आपने इस पर टैप करना है। टैप करते फिर से आपसे पूछेगा कंफर्मेशन कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को अनलिंक करना चाहते हैं, आपने यस करना है। तो सो आप लोग देख सकते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पर जो भी लिंक थे हट गए, मेरा भी हट गया क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का रुपए क्रेडिट कार्ड मैंने लिंक कर रखा था। अब आपने फिर से अपना कार्ड यहाँ पर ऐड कर देना है, कार्ड आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और फिर से दोस्तों आप लोग चेक कीजिएगा कि आपके रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट शुरू हुई या नहीं हुई। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा फोन पे पर क्रेडिट कार्ड जो है वो लिंक फिर से हो चुका है। हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर गूगल पे के बारे में। गूगल पे आपने खोलना है, यहाँ पर राइट साइड में दोस्तों आप लोगों को आपकी फोटो शो होने वाली है, फिर आपने जो भी फोटो लगा रखी है वो शो हो जाएगी। माय अकाउंट वाला सेक्शन दोस्तों ये होता है, आपने इस पर टैप करना है गूगल पे पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रुपए क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपने इस पर टैप जो है वो कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने जो भी क्रेडिट कार्ड यहाँ पर यूपीआई लिंक कर रखे होंगे, साथ ही आपके सारे बैंक अकाउंट यहाँ पर शो हो जाते हैं, तो आपने अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है, ऐड हो रखा है, उस पर दोस्तों मैंने यहाँ पर टैप कर दिया। टैप करते ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा दोस्तों पूरे कार्ड की डिटेल वगैरह यहाँ पर आ गई। अब आपको राइट साइड में 3 डॉट्स जो है दिखाई दे रहे होंगे, आपने उस पर टैप करना है। टैप करते ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आप लोगों को रिमूव अकाउंट, तो आपने रिमूव अकाउंट वाले सेक्शन पे दोस्तों ऑप्शन पे टैप कर देना है। टैप करते ही आपसे फिर से पूछेगा कि आपको अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसको अनलिंक करना है, रिमूव करना है, आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। टैप करते ही दोस्तों आप लोग देख सकते हैं रिमूविंग अकाउंट, यानी आपका जो अकाउंट है यहाँ पर रिमूव हो चुका है क्रेडिट कार्ड। अब आपने फिर से यहाँ पर ऐड रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई वाले ऑप्शन पे जाना है, बैंक सेलेक्ट करना है, क्रेडिट कार्ड आपका फिर से दोस्तों यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को जो आपके रुपए क्रेडिट कार्ड पर प्रॉब्लम हो रही है उसका सोल्यूशन जो है वो मिल सकता है, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने हमें बताया कि उनके साथ भी कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर यही इशू आ रहा था। बैंक वालों ने दोस्तों उनको यहाँ पर ये नॉलेज दी, ये जानकारी दी और उनका रुपए क्रेडिट कार्ड फिर से दोस्तों काम करना शुरू कर चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पूरा आप लोगों को डिटेल में बता दिया कैसे आपको अपना रुपए क्रेडिट कार्ड जो है अनलिंक करना है, रिमूव करना है, दोबारा कैसे लिंक करना है। और दोस्तों अगर आप लोगों की प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है तो कमेंट्स में एक छोटा थैंक यू जरूर आप लोग लिख दीजिएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को एक छोटी जानकारी और दे दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड के लिंक जो है वो मिल जाएंगे, जहां पर बहुत सारे लोगों को क्रेडिट कार्ड के इंस्टेंट अप्रूवल दोस्तों मिल चुके हैं। तो जल्दी ही दोस्तों इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, मनपसंद क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, मिल सकता है आप लोगों को भी इंस्टेंट अप्रूवल। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।